ओवरऑल बहुत एक इजी चैप्टर है, ऑर्गेनिक में शामिल जरूर है बट बहुत ही हलवा चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में भी बाज दफा बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, बंड हो जाते हैं, जब खास तौर पर एक बनी बनाई कोई नई एग्जाम्पल आ जाए और उसको देखना हो तो बाज दफा दिमाग थका हुआ हो तो इंसान चगलों वाली मिस्टेक्स भी कर देता है। तो इसलिए इस चैप्टर में जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो अच्छे समझनी है, वैसे ये चैप्टर ओवरऑल काफी आसान है। तो सबसे पहला टर्म आ जाता है पॉलीमराइजेशन, जिसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भाई मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। तो याद रखिए ये टर्म आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि मेरे बच्चे, वो बहुत सारे बड़े कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मैक्रो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे 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 यूनिट्स को कंबाइन करके बनते हैं। तो किसी भी बड़े कंपाउंड के छोटे यूनिट को मोनोमर कहा जाता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ कि आपके घर की जो दीवार है, आपके घर की जो बिल्डिंग है, वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या वो अपने आप में कंप्लीट यूनिट है? नहीं, बल्कि उसे छोटे 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 ब्लॉक से जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। आज वो एक यूनिट के तौर पर नजर तो आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो पूरा एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। तो बेटा किसी भी बड़ी चीज के जो छोटे यूनिट्स होते हैं उन्हें आप मोनोमर कहते हैं। मोनोमर एक जनरल टर्म है, और जब वो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो फिर इसको आप पॉलीमर कहते हैं। तो ये टर्म्स कोई नई टर्म नहीं है। क्या कहा मैंने कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज कंपाउंड्स और स्मॉल साइज यूनिट्स व्हिच कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर्स। वो स्मॉलर कंपाउंड्स, वो स्मॉलर यूनिट्स जो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और कंबाइन होकर बड़ा यूनिट बनाते हैं, कंबाइन होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे यूनिट्स को मोनोमर्स कहते हैं। और पॉलीमर क्या होता है? वो लार्ज स्ट्रक्चर जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे आप पॉलीमर कहते हैं। तो अब जाहिर है इस लेवल पर डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछी जाती, तो आप इस कीवर्ड याद रखें कि मोनोमर किसे कहते हैं? स्मॉलर यूनिट को, एंड पॉलीमर कहते हैं लार्जर यूनिट को। एंड बेटा वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर में, वो प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन, जहां से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन से हम लिखते हैं, ये डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है। पॉलीमराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्या है भाई टर्म, क्या है डेफिनेशन? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स, छोटे छोटे बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, एक लार्ज साइज पॉलीमर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो? पॉलीमराइजेशन पोलराइजेशन कहते हैं। तो कितने टाइप की होती है? अगर ओ लेवल भी याद हो तो याद आ जाएगा, दो टाइप की होती है। नंबर वन एडिशन पॉलीमराइजेशन और नंबर टू कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नंबर टू एडिशन पॉलीमराइजेशन, नंबर टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो टाइप की है जनाबे आली, ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या फर्क होता है? तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐड होते हैं, जब एन नंबर ऑफ मोनोमर्स सिंपली कंबाइन होते हैं, तो दे आर सिंपली असेंबल्ड एंड दे आर सिंपली कंबाइंड विद ईच अदर विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। एडिशन, एज द नेम सजेस्ट, कि एडिशन में जो मोनोमर्स होते हैं वो सिंपली आपस में लिंक्ड हो जाते हैं। अगर 10 यूनिट्स हैं तो 10 के 10 बस आपस में एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल।
जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में अगर एन नंबर ऑफ मोनोमर्स में लेता हूं तो वो कंबाइन होते हैं आपस में टू फॉर्म पॉलीमर बी, अलोंग विद दैट स्मॉल मॉलिक्यूल ऑल्सो एलिमिनेट और इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। क्या कहा मैंने, अगर इक्वेशन वाइज समझे बड़ा आसान है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर्स आर सिंपली एडेड टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर विदाउट रिमूवल ऑफ एनी स्मॉलर कंपाउंड। जबकि यहां पर हम क्या देखते हैं, मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर अलोंग विद द रिमूवल ऑफ स्मॉलर कंपाउंड यूजुअली वॉटर और HCl। ठीक है जी, तो इक्वेशन देखते ही सोनिया अशफाक लाइबा हुमायूं क्या ये बता सकेंगी आप कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है बेटा? कैसे अंदाजा होगा देखते ही, कि जैसे ही आप देखोगे कि आपके पास जब मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, समझना, जैसे ही आप देखोगे कि कंबाइन होने से बेटा बोलो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो आप इसे क्या कहोगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, यस और नो? और जब आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बन रहा है और उस एक प्रोडक्ट के साथ साथ इस एक प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो रहा है, एक स्मॉलर मॉलिक्यूल भी बन रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे, ये कंडेंसेशन बेहतरीन हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब एक और बात समझ लीजिए, एक और बात समझ लीजिएगा मेरे बच्चे, यहां पर ओ लेवल में भी आता था, एएस में भी, ए2 में भी काम आएगा, और वो क्या है कि इक्वेशन देखकर तो कोई भी बता देगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है या कंडेंसेशन हो रही है। जैसा कि इक्वेशन में वाजे है कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो एडिशन है, और अगर प्रोडक्ट दो बन रहे हैं जिसमें एक बड़ा प्रोडक्ट है एक छोटा प्रोडक्ट है तो वो कंडेंसेशन है, ये तो बताना आसान है। लेकिन यहाँ ओ लेवल्स में भी ये चीज काम आती थी कि आपको एग्जामिनर क्या करता है कि एक रैंडम आपको क्या दे देता है बेटा, मोनोमर दे देता है जो आपने कभी देखा भी नहीं होता, ठीक है ना, और आपसे वो कहता है कि बताइए ये मोनोमर एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा। सबको समझना है बेटा, सवाल क्या पूछता है, एक मोनोमर दे देगा और वो कहेगा कि बताइए ये एडिशन करेगा कंडेंसेशन। अब हो सकता है वो मोनोमर आपने देखा भी ना हो, आपके सिलेबस का भी ना हो, लेकिन आप एक रैंडम मोनोमर को देखकर ये कैसे बताएंगे कि वो एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा, और फिर जब आप सही जवाब देंगे तो एग्जाम में हो सकता है आपसे करवा भी ले, आपसे एग्जाम में कहे करके दिखा दो। तो मेरे बच्चे क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखिए जो एडिशन का मोनोमर होता है उसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तमाम एडिशन मोनोमर्स में कार्बन कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं, मैंने एडिशनल बता दिया, तुम्हारे सिलेबस में या एग्जाम में जितनी भी एग्जाम्पल्स नजर आएंगी वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स वाली होंगी। याद रखिए आप कैसे किसी रैंडम मोनोमर को देखकर ये फैसला करेंगे कि वो एडिशन का मोनोमर होगा, बोलो भाई आप क्या देखोगे कि कहीं उस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, देखो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं कह रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कह रहा हूं, अगर एक मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो मोनोमर एडिशन का मोनोमर होगा मोस्ट लाइकली, यानी जब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो एडिशन करेगा, और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है, कोई और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड ही नहीं है, आपको बताया डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, बस आसान लफ्जों में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड अगर नहीं दिख रहा तो आप यही अज्यूम करेंगे कि भाई वो मोनोमर जब कॉम्बिनेशन में जाएगा पॉलीमराइजेशन में जाएगा इट विल फॉलो कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो
आइडेंटिफाई करने का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मोनोमर रैंडम है, बहुत सारे नए मोनोमर एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसमें अगर आपने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप उसको एडिशन का मोनोमर अज्यूम करेंगे, और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो फिर वो एडिशन का मोनोमर नहीं है, वो कंडेंसेशन ही करेगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी आउट देयर? यस सर. इसी तरह बाज दफा क्या होता है कि एक पॉलीमर बना हुआ आ जाता है. बाज दफा क्या होगा, एक पॉलीमर बना हुआ आ गया. ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है बाज दफा, क्योंकि आपको उस पॉलीमर का रिपीट यूनिट निकालना होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी नजरें चाहिए होती हैं. अगर नजरें आपकी ठीक हैं तो आप कर लेंगे, नहीं ठीक है तो आप स्ट्रगल करेंगे. तो जब इसकी पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा नया भी. तो पॉलीमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो भाई कि भाई अगर आपको मोनोमर नहीं दिया उसने बल्कि एक पॉलीमर बना के दे दिया, तो अब पॉलीमर में तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो नहीं हो ये पता नहीं है, तो इसलिए पॉलीमर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, अब इस बात को और सुनना. देखो एक पॉलीमर बना के दे दिया उसने कि भाई ये एक पॉलीमर है, बताइए ये एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से. सवाल कैसे पूछेगा कि भाई ये कंपाउंड दे दिया हमने, ये एक पॉलीमर है, बताइए ये एडिशन से बना है या बनेगा, बना होगा या कंडेंसेशन से बना होगा. तो इसका फैसला कैसे होगा, तो बेटा इसका फैसला होगा ग्रोइंग चेन से. अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको याद आएगा कि जब भी कोई पॉलीमर लिखा जाता है तो उस पॉलीमर के एंड में आपको याद होगा इस तरह से कंटिन्यूटी के ब्रैकेट्स लगाए होते हैं, याद है, इस तरह से कंटिन्यूटी के ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, है ना भाई, क्योंकि जाहिर है पूरा पॉलीमर का स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे होते ना. तो जब पॉलीमर का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो उस पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आप कंटिन्यूटी के ब्रैकेट्स दिखाते हैं. तो अब आपने क्या करना है, व्हाट इज ग्रोइंग चेन, ये जो कंटिन्यूटी के ब्रैकेट की लाइन में जितने भी एटम्स आ रहे हैं आपने इनको देखो, ये जो पॉलीमर उसने बनाकर आपको दिया है, इस पॉलीमर में जो ग्रोइंग चेन है जहां से वो आगे एक्सटेंड हो रहा है, इस पूरी लाइन को आपने देखना है. इस पूरी लाइन में अगर ओनली कार्बन एटम्स हैं, मेरी बात को और सुनना, अगर इस पूरी लाइन में सिर्फ क्या है बोलो, कार्बन एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलीमर कंडेंसेशन का पॉलीमर नहीं है बल्कि एडिशन का पॉलीमर. और अगर आपने वो ग्रोइंग चेन देखी, इस पूरी चेन को स्टडी किया, और इसमें दरमियान में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, ऑक्सीजन भी आ रहा है या नाइट्रोजन भी आ रहा है, कोई भी एटम आ गया अदर देन कार्बन, कार्बन भी है और कार्बन के साथ कोई और एटम भी आ गया, तो फिर आप कहेंगे ये पॉलीमर कंडेंसेशन से बना हुआ है. ये वो ट्रिक है जो आपने इस्तेमाल करनी है कंडेंसेशन और एडिशन के पॉलीमर को आइडेंटिफाई करने. फिर सुन लीजिएगा, मोनोमर की आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई, मोनोमर में क्या किया आइडेंटिफिकेशन के लिए, बोलो बेटा, कि आपने देखा कि मोनोमर में कार्बन का डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, और जिसमें है वो एडिशन का मोनोमर होगा, जिसमें नहीं है वो कंडेंसेशन का होगा. फिर पॉलीमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको पॉलीमर में वो पार्ट ढूंढना है जहां से चेन एक्सटेंड हो रही है, पूरे पॉलीमर को देखने की जरूरत नहीं है. जैसे चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यार ये एक पॉलीमर मैं आपके ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई दिस कंपाउंड इज अ पॉलीमर, एग्जामिनर बताएगा कि दिस कंपाउंड इज अ पॉलीमर, ठीक है, ये कंपाउंड एक पॉलीमर है, एग्जामिनर ने बताया. तो अब आपने क्या देखा कि यार ये इसकी ग्रोइंग चेन दी है, तो यू विल लुक ओनली इन दिस डायरेक्शन. आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, यस और नो? यस सर. या इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं. हाँ भाई, अगर ये एक पॉलीमर है मुझे बताइए क्या इसकी ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स आ रहे हैं या कोई और एटम भी आ रहा है? सिर्फ कार्बन. कार्बन, जो क्लोरीन नजर आ रहा है, मैंने जानबूझ के बनाया, जो क्लोरीन है या फ्लोरीन है ये इस ग्रोइंग चेन का पार्ट नहीं है,
ये इस ग्रोइंग चेन का पार्ट नहीं है। तो हम यहां पर भी यही कहेंगे कि इसके ग्रोइंग चेन में भी सिर्फ कार्बन एटम ही है और ये पॉलीमर भी एडिशन का पॉलीमर है। अब आप कहें सर सारे तो एडिशन के होंगे, तो कंडेंसेशन का भी कोई दिखा दे, तो आए देखते हैं। हाँ भाई, अब अगर मैं कहता हूं ये एक पॉलीमर है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन है? बोलो, नहीं सर, आपको नजर आ रहा है कि इसमें ग्रोइंग चेन में दरमियान में ऑक्सीजन भी आ रहा है। क्लियर है? तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी किसी भंड को मारने से। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इबाद, आईलीन, इमान, फातिमा, रूबा, लाइबा और बाकी सारे यस बच्चे सर, बच्चियों, क्लियर है? यस सर, अब तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया भाई चैप्टर शुरू हो गया पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन क्या है? मोनोमर जो पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर स्मॉलर यूनिट है, पॉलीमर लार्जर यूनिट है। फिर मोनोमर और पॉलीमर की जो कंबिनेशन का प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन है, जो दो टाइप का है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में सिंपल एडिशन होती है, कोई अलग से मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, और कंडेंसेशन के अंदर जो है जब पॉलीमराइजेशन होती है, तो साथ ही साथ आपको एक स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल भी नजर आता है, जो यूजुअली वाटर होता है, कभी कभी एचसीएल भी होता है। अब सवाल यह है कि इक्वेशन लिखी हो तो फिर तो बताना बड़ा आसान है, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए और बताया जाए कि ये मोनोमर या पॉलीमर है, तो हाउ आर वी गोइंग टू टेल? उसका तरीका मैंने आपको बताया कि मोनोमर में क्या देखना है और पॉलीमर में क्या देखना है, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर पाए। अब जब आप ये समझ गए, अब हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन पर। ठीक है, हेडिंग मांगे एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल जो हम करने जा रहे हैं, इसमें अल्लाह आपका भला करे तीन चार एग्जाम्पल जो हम कवर करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं उनको। पहली एग्जाम्पल जो हम कवर करेंगे वो इथीन से पॉलीथीन है। वो लेवल में भी आपने पढ़ी थी, अभी थोड़ी सी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ आएगी ये। दूसरी जो है वो विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और इस जैसी कोई और एग्जांपल भी आ सकती है। एग्जांपल जरूरी नहीं यही वाली आए, इस जैसी कोई आ जाए। इसी तरह तीसरी एग्जांपल जो है वो प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन है। और चौथी एग्जांपल जो है वो सिंथेसिस ऑफ रबर। सिंथेसिस ऑफ रबर, नेचुरल रबर। पहले सिंथेटिक रबर भी आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, तो सिर्फ नेचुरल रबर हम करेंगे। ये चार एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इथीन टू पॉलीथीन। ओ लेवल में आप पढ़ चुके हैं ये, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक भी सेकंड मुश्किल नहीं थोड़ा सा होने वाला पीछे है करेगा सर, एक बेटा। सेकंड पीछे थोड़ा सा पीछे जाएगा। जाऊं? अच्छा जाते हैं भाई, ये लीजिए। सही है। ठीक है, इथीन टू पॉलीथीन। भाई हम सब जानते हैं इथीन क्या होती है। इथीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो याद रखो, जब भी तुम्हें कोई पॉलीमराइजेशन लिखनी हो, ये मैंने ASME बताया था कि उसे आप एक मखसूस पैटर्न में कन्वर्ट करने, क्या से कैसे कन्वर्ट करना है? आपने डबल बॉन्डेड कार्बन को एक साथ लिखा और राइट साइड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन, आपने इसे ऊपर नीचे अटैच कर दिया, और लेफ्ट साइड वाले पे भी दो हाइड्रोजन लगे हुए, उनको भी ऊपर नीचे अटैच कर दिया। एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो सिंपली क्या होने वाला है, ये जो एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे,
कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन हो जाएंगे, याद आ रहे हैं कि अगर समझाने के लिए बताऊं, इमेजिन करो कि अगर एक इथीन ये है, लेट मी शो यू दैट कि भाई कैसे कंबाइन होंगे, फिर मैं दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। मान लो ये एक इथीन है, ये दूसरा इथीन है, ये तीसरा इथीन है, तो ये कैसे कंबाइन होने वाले हैं, इनका डबल बॉन्ड टूटेगा बेटा। डबल बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इनकी वैलेंसीज इनकम्प्लीट होंगी, तो ये क्या करेगा, ये नया बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। ठीक है जी, ये जो ब्लू से बॉन्ड है ये पहले से बने हुए थे, अब ये इसने इसके साथ जोड़ ली, अटैचमेंट कर ली, और इसी तरह ये चेन कंटिन्यू होगी, आगे किसी इथीन के साथ जुड़ जाएगा, ये आगे किसी इथीन के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये पॉलीमर फॉर्म होगा। बात समझ आती है, लेकिन इसको ऐसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि जब एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, तो आपने जो मोनोमर है ना उसी को रीड्रॉ करना है, और रीड्रॉ करके सिंपली आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड खत्म करना है, और यहाँ पर कंटिन्यूटी का निशान बनाना है कि भाई ये जो इथीन के यूनिट्स हैं ये सिंपली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, बोलो, असेंबल हो जाएंगे। ये जो इथीन के यूनिट डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये सिंपली एक दूसरे के साथ जो एन नंबर आपने लिया है वो एफिलिएट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, और इस तरह से पॉलीथीन को फॉर्म करेंगे। क्या ये बात समझा पाया हूं मैं या नहीं, कैसे शो करना है? आपने जो भी मोनोमर दिया जाएगा आप उसे इस पर्टिकुलर पैटर्न में लिखोगे जिसमें डिस्प्लेड फॉर्म होगी, डिस्प्लेड फॉर्म में लिखोगे, और लिखने के बाद फिर आप उसी मोनोमर को रीड्रॉ करोगे, और रीड्रॉ करके उसमें कंटिन्यूटी का निशान बनाकर आप एन लिख दोगे, यानी यही यूनिट आपस में क्या होते जाएंगे, रिकम्बाइन होते जाएंगे, असेंबल होते जाएंगे, एड होते जाएंगे। यस और नो? अब जहन में रखिएगा कि ये इथीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर पॉलीमर है, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि फोर्सेस कौन सी होंगी, तो इस पॉलीमर में सिर्फ एक ही फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जो कौन होगी, वैन डर वाल फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल। कोई पोलैरिटी तो नहीं है ना, तो इंड्यूस्ड डाइपोल होगी। अब इथीन भी बेटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक करता है जिसको हम कहते हैं एल डी पी ई, और एक जिसको हम कहते हैं एच डी पी ई, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जरा इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक पॉलीमर इस तरह का हो कि जिसमें पॉलीमर जो यूनिट्स हैं वो ब्रांच्ड हो, है जी, ये एक ब्रांच्ड कॉम्बिनेशन में हो, और दूसरी तरफ मेरे पास पॉलीमर जो यूनिट्स हैं वो ऐसे अनब्रांच चेन्स की फॉर्म में हो, ये पॉलीमर्स मेरे पास अनब्रांच चेन्स की फॉर्म में हो, तो मुझे बताओ कि अगर इस पॉलीमर को इस पॉलीमर में क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर ज्यादा मुमकिन होगा या विदाउट ब्रांच, बताओ भाई। विदाउट ब्रांच, अगर मेरे पास दो पॉलीमर्स हैं और एक का स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड है और एक का स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, तो ज्यादा क्लोज पैकिंग किस केस में पॉसिबल होगी, बोलो भाई। भाई कॉमन सेंस लगा के जवाब देना है, ये अनब्रांच पैटर्न है, अनब्रांच, ये मैं जनरल प्रिंसिपल समझा रहा हूँ हमेशा के लिए, और ये ब्रांच है, तो मुझे बताओ कॉमन सेंस लगा के क्या नजर आ रहा है, ज्यादा क्लोज होंगे अनब्रांच में, तो उसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा, कि मेरे बच्चे जब भी कोई पॉलीमर ब्रांच होता है और लेट सपोज उसमें वैन डर वाल फोर्सेस हैं, तो आप जानते हैं कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो डिस्टेंस की वजह से वीक हो जाती है ना, तो अगर वो कोई भी पॉलीमर अनब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, तो उसके यूनिट्स में आपस में क्लोज कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर वो नॉन पोलर है तो वैन डर वाल फोर्सेस बहुत ही वीक होंगी। लेकिन अगर कोई अनब्रांच यूनिट है तो अनब्रांच यूनिट में जो कि ब्रांचेस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगी, क्लोज पैकिंग विल बी पॉसिबल, तो उस क्लोज पैकिंग की वजह से जब पॉलीमर यूनिट्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा करीब आएंगे, तो वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और ऐसे पॉलीमर्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे, उनको तोड़ना मुश्किल होगा। यस और नो? Yes, sir. तो बेटा यही होता है पॉलीथीन की गेम में, ये असल में LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन और HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
असल में जो पॉलीथीन आपने बनाया है ना, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ब्रांच फॉर्म में यानी इस फॉर्म में, और एक इस फॉर्म में, कि जब आप पॉलीथीन चेन्स को ब्रांच पैटर्न में एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं तो यू गेट दिस टाइप ऑफ पॉलीथीन यूनिट्स, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो बिकॉज ऑफ द ब्रांच पैटर्न दे कैन नॉट कम वेरी क्लोज, तो जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं वो रिलेटिवली वीकर होती हैं, और ये टाइप का जो प्लास्टिक होता है, ये टाइप का जो पॉलीथीन होता है, ये सॉफ्ट होता है और थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है और इजिली डिग्रेड हो जाता है, जैसे कि थैलियां, जो आप थैलियां देखते हो, शॉपर्स देखते हो, चाहे वो इम्तियाज की शॉपर हो, चाहे वो जनाब अली दूध वाली शॉपर हो, आप क्या देखते हो, जरा सा हीट करने पर फौरन से मेल्ट हो जाता है, ऐसा नो, क्यों, क्योंकि जो वो पॉलीथीन है वो ब्रांच पॉलीमर है और उसमें इथीन की चेन्स की ब्रांच पॉलीथीन ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आपस में बहुत क्लोज पैक नहीं हो रहे, दरमियान में बड़े गैप्स मौजूद होते हैं और जरा सा हीट करने पर वो फोर्सेस भी ब्रेक होती हैं और वो फौरन से कंपाउंड मेल्ट होने लगता है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप दूसरा पॉलीथीन देखते हो जो आपको अल्लाह आपका भला करे बॉटल्स में नजर आता है, बॉटल्स जो है वाटर बॉटल्स बनाई जाती है, पॉलीथीन बॉटल्स होती है, तो आप देखते हो वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी रिजिड होता है, काफी ज्यादा इलास्टिक होता है और काफी सॉलिड होता है, और कंपेयर टू नॉर्मल थैली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो भी पॉलीथीन है, लेकिन उसमें हमने पॉलीथीन की चेन्स को सिर्फ पैरेलल कंबाइन किया, पॉलीथीन की जो चेन्स हम बना रहे हैं उनको सिर्फ हमने पैरेलल 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 कंबाइन किया है, ब्रांच नहीं बनाई, जबकि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें हम ब्रांच फॉर्म करते हैं इथीन की, तो जिसकी वजह से अनब्रांच पैटर्न में जो पॉलीथीन चेन्स होती हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड हो पाती हैं और जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं दे बिकम रियली 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 स्ट्रॉन्ग और वो डेंसिटी भी बढ़ा देती हैं, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। यस और नो, बात समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया? यस सर। जी सर। आसान है बात, मुश्किल तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं, इजी है। चलो तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या है बेटा, दीज आर हाईली, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज हाईली ब्रांच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीथीन चेन्स, ब्रांचेस ऑब्स्ट्रक्ट Close packing of polythene units. Resulting in low density, low melting point and boiling पॉइंट। ये क्या है, अनब्रांच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीथीन यूनिट्स, पॉलीथीन चेन्स, क्लोज पैकिंग of polythene chains due to unbranch arrangement, strong van der Waal forces exist in between chains, high melting and high melting and boiling point, and high density. Clear? Any questions? No, sir. ठीक है भी, LDPE stands for low density polythene और वो high density polythene. बेसिक डिफरेंस बेटा ब्रांचिंग का है कि एक में पॉलीथीन की ब्रांच चेन्स को ब्रांच पैटर्न में जोड़ा जाता है और एक में अनब्रांच पैटर्न में, और उससे उनकी डेंसिटी में फर्क आता है क्योंकि पैकिंग की जो डिग्री होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है।
जी आइलीन, इज दैट क्लियर टू यू? रूबा शेख, लाइबा हुमायूं, इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन जी सर, एंड पे क्या लिखा हुआ यस है? सर, हाई डेंसिटी के स्ट्रॉन्गर वेंडल एग्जिस्ट स्ट्रॉन्गर वेंडल फोर्सेस एग्जिस्ट इन बिटवीन चेन्स, ठीक है, वो जगह नहीं थी, रिजल्टिंग इन हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। ठीक है, थैंक यू। अब आ जाते हैं बेटा दूसरी एग्जांपल पे, चल लेते हैं, लिख लिया भाई, आगे चल रहा हूं मैं, नोट कर लिया है, आगे मूव कर रहा हूं भाई। यस सर। अगला एग्जांपल आ जाता है विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इस कैटेगरी में और भी एग्जांपल्स आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जो भी आ जाएगी आप कर लेंगे। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं, तो जो इथीन को याद रखेगा ना वो विनाइल क्लोराइड को भी याद रखेगा। देखो इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और चारों तरफ क्या होते हैं बोलो, हाइड्रोजन होते हैं। विनाइल क्लोराइड में किसी एक साइड पर आप क्लोरीन कर लो, बस ये बन गया विनाइल क्लोराइड, कोई मुश्किल। क्या कहा हमने कि भाई विनाइल क्लोराइड कैसे बनाना है, इथीन में क्या होता है दो कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, विनाइल क्लोराइड में किसी एक साइड पर आपकी मर्जी है किसी एक साइड पर क्लोरीन लगा लो, अब वही पैटर्न हो गया। पॉलीमराइजेशन कैसे दिखाएंगे भाई बोलो, सर ने क्या बताया था कि आपने इस फॉर्म में जब बना लिया मोनोमर को तो कैसे पॉलीमर ड्रॉ करना होता है, आपको यही चेन को दोबारा डीड्रॉ कर देना है, यस और नो, डबल बॉन्ड यहां से उड़ा देना है और फिर कंटिन्यूटी का निशान बना देना है, क्योंकि ये बता रहा है कि यही यूनिट्स आपस में क्या होते जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे, चेन ग्रो करती चली जाएगी, ये बन गया पॉलीमर। अब यहां पर क्या डिफरेंस हमें नजर आता है कि बेटा इस पॉलीमर में वेंडर वॉल फोर्सेस तो होंगी ही, लेकिन क्या इस पॉलीमर में परमिनेंट डाइपोल भी होंगी या नहीं बोलो, अरे भाई बोलते ही नहीं, गूंगे हो गए हो भाई। पिछले पिछले पॉलीमर में हमने क्या कहा था कि जो कार्बन हाइड्रोजन होता है उसमें आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो वहां पर पोल्स क्रिएट नहीं हुए, लेकिन क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के दरमियान पोलैरिटी आ जाएगी, अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर, तो क्या उसकी वजह से परमानेंट डाइपोल्स आ जाएंगी, और परमानेंट डाइपोल्स क्या इंड्यूस्ड डाइपोल्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं या नहीं? यस सर। तो मुझे बताओ अगर मैं ये जुमला कहता हूं कि इन जनरल ये इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं बिकॉज इनके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ साथ परमानेंट डाइपोल भी है, तो क्या ये जुमला समझ आता है? या एग्जामिनर अगर तुमसे पूछे दो पॉलीमर दे दे, एक में कोई पोलैरिटी ना हो और एक में पोलैरिटी हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन, यूजुअली क्लोरीन फ्लोरीन के आते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछे कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करो तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बोलो, पोलैरिटी वाले की जो पोलर होगा जिसमें परमानेंट डाइपोल भी होगी और साथ साथ परमानेंट डाइपोल होने की वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो भी तगड़ा होगा, यस और नो? यस सर, यस सर। अगला सवाल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनमें से पानी में अगर सॉलिबिलिटी की मैं बात करूं, वैसे तो पॉलीमर्स पानी में यूनिट डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन में पूछूं तो क्या जब परमानेंट डाइपोल आएगी पोलैरिटी आएगी तो वाटर के साथ इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो बेटा ये बातें ऑब्वियस है ना फातिमा, ईशा, इबाद, आइलीन, कि भाई आपका जो पॉलीमर है उसमें पोलैरिटी आ गई तो दो चीजें हो गई, एक तो नॉर्मली इंड्यूस डाइपोल होती है जैसे पॉलीथीन में हमने देखा था, लेकिन यहाँ परमानेंट डाइपोल भी आ गई, तो हेड टू हेड कंपैरिजन में ये पॉलीमर ज्यादा डेंस, ज्यादा ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि अलोंग विद इंड्यूस डाइपोल इसमें स्ट्रॉन्ग परमानेंट डाइपोल फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो इसकी क्लोज पैकिंग कराएंगी और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगी, यस और नो? यस पीवीसी क्या होता है, प्लास्टिक होता है ना,
अब देखो, अगर एक आप पॉलीथीन से प्लास्टिक को कंपेयर कर सकते हो क्या? आप पीवीसी के पाइप्स इस्तेमाल कर रहे हो, मजबूत है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा मजबूत है कंपेयर टू पॉलीथीन। क्यों? क्योंकि उसकी पैकिंग में आपके पास परमानेंट डाइपोल्स हैं, और वो परमानेंट डाइपोल्स आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग में लेकर आती है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस और नो? जी सर, चल ये भी खत्म हो गया। अब तीसरा आ जाते हैं, उसमें कोई फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट एग्जांपल बता के आगे बढ़ेंगे, और वो है प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन। अच्छा ये भी बड़ा आसान है। अच्छा जो एग्जांपल हम करा रहे हैं ना, ये एग्जाम में इसका मोनोमर पॉलीमर आपको पता होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं आएगा। प्रोपीन क्या होती है? देखो आपने इथीन बनाई थी तो क्या किया था, आपने चारों तरफ हाइड्रोजन लगाए थे। अब आप बस एक सर तरफ एक और कार्बन लगा दो। जी बेटा सर हाँ ऊपर वाली साइड दिखा सकते हैं सर, बेटा, आपकी आवाज बहुत गोल 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 सी आ रही है, क्या बोल रही हो? सही से बोलो। वो कह रही है पीछे वाली साइड दिखा दें या ऊपर कर दें। अबे प्रोपीन पे पहुंच गया मैं ईशा, तो वही पीछे वाली स्लाइड बैठ की भी हूँ। तो भाई प्रोपीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, वही इथीन के पैटर्न में समझा रहा हूँ। जैसे इथीन में चारों तरफ हाइड्रोजन थे तो इथीन था, उसमें एक तरफ क्लोरीन आ गया तो विनाइल क्लोराइड बन गया। अब उसी में एक तरफ एक कार्बन आ गया, टोटल तीन कार्बन हो गए, तो ये प्रोपीन बन गया। अब कैसे शो करेंगे पॉलीमराइजेशन? आसान है ना, इसी यूनिट को बोलो रीड्रॉ करेंगे, और रीड्रॉ करके क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर को, कि आप इसके डबल बॉन्ड को उड़ा दोगे और ब्रैकेट यानी सेम यूनिट ही रिड्रॉ करना होता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, और उसी डबल बॉन्ड को तोड़कर ये आगे वाले यूनिट्स के साथ असेंबल होते चले जाते हैं, लाइक दिस। क्लियर? अब अगर मैं तुमसे जी वैसे ही पूछूं कि ये नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, इसमें सर, वैन डेर पोलर वाल्स होगा। होंगी या नॉन पोलर होगा, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, सिर्फ इंड्यूस डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, पानी में सॉल्युबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। यस और नो? यस सर, यस सर। चलो बेहतरीन हो गया। अब आ जाओ आखिरी एग्जांपल, जो तुम्हारे सिलेबस के लिए नई एग्जांपल है, और सर वो है, जी बेटा बोलो। पीवीसी सॉल्युबल होगा पानी में क्योंकि डायपोल है। नहीं बेटा, पानी से फ्री, असल में सॉल्युबल तो कोई भी पॉलीमर नहीं होता, उसका रीजन ये पॉलीमर का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर आपको याद हो कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पोलैरिटी और साइज पर, तो पॉलीमर बहुत बड़ा साइज होता है, इसलिए डिसॉल्व तो नहीं होता। हाँ पोलैरिटी की वजह से वो वाटर से इंटरेक्शन बेहतर तरीके से कर पाता है। ठीक ठीक है चलो, अब आ जाओ बेटा आखिरी एग्जाम्पल जो हम देने जा रहे हैं, नेचुरल रबर की। पहले आपके पास नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रबर हुआ करते थे, अब नहीं है, अब सिर्फ नेचुरल रबर है। ठीक है, नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है बेटा, उसे कहते हैं आइसोप्रीन, और ये कन्वर्ट होता है नियोप्रीन में, जिसे कहते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, तो इसको बल्कि अगले पेज पे करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम है। इसका पॉलीमर देख लेना क्या है, सॉरी मोनोमर देख लेना कैसा है, बस मोनोमर थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, तो वो समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। देखो आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, ये चार कार्बन का यूनिट है। आप पहले तीन जैसे बनाते थे ना, वैसे बना लो, दो कार्बन इधर बने, जुगाड़ बता रहा हूँ बस, ताकि याद रखने का कोई ट्रिक तो मिले ना, रट्टा मारना है वरना। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे इथीन आप बनाते थे ना, कैसे बनाते थे, इथीन से लेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप इथीन में सिर्फ दो कार्बन बनाते थे, और उसमें दरमियान में डबल बॉन्ड होता था, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है।
और वो डिफरेंट क्या है कि दो आपने कॉर्नर्स पे तो बनाए हैं, साथ ही साथ आपने यहां पर एक कार्बन बना दिया एच के साथ और यहां पर एक कार्बन बना दिया सी एच थ्री के साथ। और अब इनको जोड़ना कैसे, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, ये मोनोमर है, इसे कहते हैं आइसोप्रीन मोनोमर। और आप एन नंबर इसके कंबाइन करने वाले हैं। दोबारा देखिएगा, फिर से देखिएगा भैया क्या कर रहे हैं, आपने इथीन की तरह CH2 यूनिट बनाना है और दरमियान में दो कार्बन और आएंगे, एक कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा और एक कार्बन पर एक और कार्बन आएगा, इसी यूनिट को आप आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई, कैसे हैं भाई सेठ यार, किधर है, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आपको आपको अमानत मिल गई आपकी, ये रखी हुई भाई, नहीं आपकी रखी हुई ना, उनकी कहाँ है, बैग कहाँ गया हमारा भाई, बैग वापस दे, बैग बड़ा इम्पोर्टेंट बैग है, ये आपका रखा हुआ, ये आपकी मदीने की सारी खजूरें और जमजम का थोड़ा सा पानी, ठीक है ना, खाइएगा जरूर। हाँ जी, नहीं नहीं क्लोज नहीं सर, अभी 10-5-7 मिनट टॉपिक बस पूरा होने वाला है, ठीक है। तो भाई नेचुरल डबल की बात हो रही, तो मैंने क्या कहा, ये नया मोनोमर है तो इसलिए इसमें डबल, दो बच्चों को कंफ्यूज होती है तो जुआड़, बस मैं आपको रट्टा लगवाने के लिए कुछ रेफरेंस बता सकता हूँ। तो आप समझिए कि इथीन में जैसे CH2 कार्बन बनाते हैं, आपने कार्बन पे वो बनाए, दरमियान में दो कार्बन और ऐड करते, टोटल चार कार्बन का यूनिट होता है और दरमियान के जो दो कार्बन है उनमें एक पर हाइड्रोजन लगेगी और एक पर कार्बन लगेगा, बैलेंस पूरी करोगे दो डबल बॉन्ड आएगा। अब इनमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है समझो, जब आप एन नंबर लेते हो तो ये कंबाइन कैसे होते हैं, डबल जब दो दफा डबल बॉन्ड आ रहा है तो कैसे कॉम्बिनेशन होगा, अब समझो बड़ा आसान है, होगा क्या कि देखो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटेगा, समझना, बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूं कि स्ट्रक्चर को नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं, समझना, स्ट्रक्चर को नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि और बेहतर समझ में आ जाए, दो यूनिट्स को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि कॉम्बिनेशन समझना आसान, ये समझो दो यूनिट मैंने बनाए, अब इनमें देखो आपस में कैसे असेंबलिंग होती है, होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहां से टूटा और यहां से ये डबल बॉन्ड टूटा, तो दोनों की वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया आप, समझ आई बात, अब ये तो आपस में कनेक्ट हुए, इनकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, बताओ भाई क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है जिसने डबल बॉन्ड तोड़ा, नहीं पूरी। तो बेटा होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली, अब मैं एक झटके में दिखाता हूँ कि क्या गेम, देखो ये हमारे पास था यूनिट, होगा क्या कि दोनों साइड पर डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, होगा ये कि बेटा ये इससे जुड़ जाएगा, ये आगे वाले यूनिट से जुड़ जाएगा, ये पीछे वाले यूनिट से जुड़ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड आपने दो कॉर्नर से तोड़े हैं, सेंटर वाले कार्बन अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए आपस में दरमियान में डबल बॉन्ड बना लेंगे। दोबारा देखिए, जो डबल बॉन्ड कॉर्नर से टूटे, डबल बॉन्ड जैसे तोड़ने का मैंने पैटर्न समझाया था वो यहां पर भी हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटा और ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटा, जिसकी वजह से इसने आगे वाले यूनिट को से अटैचमेंट ली, इसने पीछे वाले यूनिट से अटैचमेंट ली, इन दो कार्बन की जो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। तो आपने एग्जाम में कैसे दिखाना है, आपने इसको ऐसे दिखाना है कि ये आपने दिखाया यूं करके, ठीक है भाई साहब, और यहां से डबल बॉन्ड, ये निशान दिखाया कंटिन्यूटी का, ये निशान दिखाया कंटिन्यूटी का, ये डबल बॉन्ड यहां से उड़ा दिया, ये डबल बॉन्ड यहां से उड़ा दिया और दरमियान में यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर ऐसे कंटिन्यूटी का, ये है नेचुरल रबर की एग्जिस्टेंस एज नियोप्रीन यूनिट्स, ठीक है। ये नीचे वाला हमने सिर्फ समझाने के लिए समझाया, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है, कि जो दोनों डबल बॉन्ड है वो दोनों टूटते हैं, जो टर्मिनल वाले कार्बन है वो अगली चेन से लिंक हो जाएंगे, लेकिन जो सेंटर वाले दो कार्बन है उनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट रह जाएगी, एंड टू फुलफिल देयर वैलेंसी दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड अमंग ईच अदर, इज दैट क्लियर? यस सर, दैट्स ऑल मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह एडिशन पॉलीमर्स कंप्लीटली खत्म हो गए। अगर आप देखें चैप्टर का लेआउट, तो मैंने शुरू किया था कहाँ गया, तो यहाँ पर चार एग्जांपल्स मैंने आपको कही थी, चारों एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, इस चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन का। अब इंशाल्लाह ताला हम
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बात शुरू करेंगे अपने अगले सेशन में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी इसी तरह से एग्जांपल्स करनी है, हमने 3 4 5 एग्जांपल्स हैं वो करनी है, और वो ज्यादातर एग्जांपल नहीं है तो वो थोड़ा